Good morning, friends. Welcome to conceptual classes. Myself Sudhanshu. In first part of the video, we have discussed about definition, introductions, main characteristics of the entrepreneurship, difference between entrepreneurs and entrepreneurship, what are the qualities and importance of the entrepreneurships. This is something about me as an innovator. In this video, we discuss what are the types of entrepreneurship, tax mechanism and excise duties, marketing, source of long-term finance and innovation in relation to entrepreneurship. So this is second part of the video. If you have any doubt or confusion in the first part of the video, you can ask in the comments box given below. Aur ek first part of video mein galti main bol diya tha jiske liye main maafi chahta hu. Usme kya tha ki ek 25 or 26 minutes ke beech mein ek issue aaya tha risk aur इनकम के बीच में और रिस्क और गेन के बीच में. उसमें मैं गलती से बोल दिया था कि रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम, लेकिन ऐसा नहीं होता है. रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम. अगर हम हायर द रिस्क हायर द गेन, लोअर द रिस्क लोअर द गेन. तो उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से. सो लेट अस स्टार्ट. बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एक होता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. अगर एग्जाम में पूछता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इस चारों को अगर डिस्क्राइब करके विद एग्जाम्पल डाल देते हैं तो फिर कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं है. सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. एज नेम क्लियर, स्मॉल बिजनेस. कोई भी आदमी अगर छोटा बिजनेस करता है, कोई भी हो, या उसका अपना हो या कहीं से लोकल आदमी को हायर करके लाया हो, वो अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू चला रहा हो, वैसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो बिजनेस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिटेबल या बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत मिनिमम प्रॉफिट इसमें आता है. इसका जो इन सारे जो बिजनेसमैन होते हैं जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, उनका मेन सक्सेस गोल यही होता है टू फीड द फैमिली एंड मेक ए प्रॉफिट. अपने फैमिली को खिला पिलाए, कुछ पैसा बचा ले जिससे कि फ्यूचर में काम आ सके, बस उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन वही होता है. इनका कभी भी ऐसा टारगेट नहीं होता है कि हाँ कोई बड़ा इंडस्ट्री बनाना है 100 बिलियन में, जैसे बिल गेट्स हैं या ऐसे लोग, उनके तरफ बनने का कोई मोटो नहीं रहता है. इनके पास मजबूरी रहता है कि हाँ छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चाहे वो कोई छोटा दुकान खोल दिया, पान का दुकान खोल दिया, कोई सैलून खोल दिया, कोई ब्यूटी पार्लर खोल दिया, कोई ट्रेवल एजेंट्स है, कोई कारपेंटर है, प्लम्बर्स है, और जितने भी अगल बगल में छोटे मोटे दुकानदार देखते हैं वो सारा हमारा आता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसमें मेन पॉइंट याद रखने का ये है कि हु रन देयर बिजनेस बाय हिज ओन, दे आर दिस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आर बेयरली प्रॉफिटेबल. इनके लिए सक्सेस का मीनिंग टू फीड द फैमिली और छोटा मोटा प्रॉफिट कमाना है. दूसरा बोलते हैं स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है बड़ा होता है. दिस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ए कंपनी नोइंग फ्रॉम डे वन दैट विजन शुड चेंज द वर्ल्ड. इनका एक ही विजन होता है कि हमको पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है. विजन, इनका विजन ये रहता है कि हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दें. दे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्वली क्रेजी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटलिस्ट. इनका जो बिजनेस प्लान होता है या बिजनेस मॉडल होता है इतना अट्रैक्टिव होता है कि जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो आके इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इस तरीके से मॉडल बनाते हैं ताकि बाहर का लोग, अपने कंट्री का नेशनल और इंटरनेशनल सब जगह से लोग आए और उस एंटरप्रेन्योरशिप में अपना इन्वेस्टमेंट करें. सो इनका जो विजन होता है बड़ा ही क्लियर और बहुत ही डिफाइंड होता है. जो भी ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हैं वो सबसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट एचआर को रिक्रूट करते हैं. इनमें जो आदमी जाता है काम करने वो जनरली आईआईटीयंस और आईआईएम का प्रोडक्ट हो गया, आईआईटी का प्रोडक्ट है, बड़े बड़े जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको ये लोग रिक्रूट करते हैं, क्योंकि इनका विजन ही होता है कि हमको पूरे वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड को चेंज कर देना. देयर जॉब इज टू सर्च अ रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस प्लान बिजनेस मॉडल. इनका जो मेन मोटो होता है कि एक ही बिजनेस मॉडल को बार बार रिपीट करते रहे, स्केल करते रहे, बढ़ाते रहे, रिपीट करते रहे, बढ़ाते रहे, रिपीट करते रहे. अगर इनको जरूरत पड़ता है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो बहुत ही
तेजी से एक्सपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यूएसए में सिलिकॉन वैली का नाम सुने होंगे, शंघाई चाइना का नाम सुने होंगे, न्यूयॉर्क है, बेंगलोर है, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के। थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप आता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, इनका क्या होता है कि फाइनाइट लाइफ साइकिल्स होता है, इनका जो बिजनेस साइकिल होता है वो कुछ डिफाइंड होता है कि हाँ इतना दिन तक हमको आगे बढ़ना है। ग्रोथ थ्रू सस्टेनिंग इनोवेशंस ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट दैट आर वेरिएंट अराउंड देयर कोर प्रोडक्ट्स। इनके साथ एक सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में, कि हमेशा नया नया इनोवेट करते रहते हैं, हमेशा इनके अंदर जो सस्टेनिंग इनोवेशन का मीनिंग कि कभी भी इनका इनोवेशन नया रिसर्च रुकता नहीं है। और जिस तरीके से कस्टमर का कंज्यूमर का या कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, वैसे ही अपने प्रोडक्ट में भी मॉडिफिकेशन ला चेंज कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन ला देते हैं। सो इनका जो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें हाई लेवल हाईएस्ट कंपटीशन होता है, हमेशा इनोवेशन चाहिए होता है, लेजिस्लेशन इनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और इट कैन क्रिएट प्रेशर फॉर मोर डिसरप्टिव इनोवेशन, क्रिएट एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स इनटू न्यू कस्टमर्स इन न्यू मार्केट्स। एक याद रखना है कि इनका जो भी प्रोडक्ट्स होता है हमेशा नया प्रोडक्ट इनोवेट करते रहते हैं, नया कस्टमर खोजते हैं, नया मार्केट में जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर है, सब लोग जानता हो, गूगल का नाम सब लोग सुने होंगे, फेसबुक का नाम सब लोग सुने होंगे, ट्विटर्स का नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी सर्च इंजन है, गूगल फेसबुक या जो भी नेटवर्किंग साइट है, सब किसी ना किसी एक एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा बनाया गया है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्थ वन इज योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आर इनोवेटर्स हु फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट सॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी सामाजिक आवश्यकता है या सामाजिक समस्या है उनको सॉल्व करने का इनका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही मोटो रहता है। लेकिन इनका जैसे स्केलेबल स्टार्टअप हो गया, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनका जो मोटो रहता है मेनली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इन लोगों का मेन मोटो यही रहता है कि हाउ टू अर्न द प्रॉफिट। अपना मार्केट को एक्सपेंड करना है, प्रॉफिट कमाना है, मार्केट को एक्सपेंड करते जाना है, प्रॉफिट कमाते जाना है। लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है इनका कोई ये मोटो नहीं रहता कि पैसा ही कमाना है, इनका मेन मोटो ये रहता है कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि गांव में एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी गांव का आदमी है अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे गांव में अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां का समस्या है, कुछ लोग एक यूनिटी बना लिया, यूनिटी बना के कुछ इस तरह का डेवलप कर लें कि गांव कहीं काम करें और वहां से जो भी इनकम आए उससे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो उसका लीडर होगा उसको कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन गाँव में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो वहां से सॉर्ट आउट हो गया। ऐसा ही ओपन डिफिकेशन का है, कुछ लोग मिलके एक यूनिटी बना लेते हैं, यूनिटी बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, तो उससे उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है बट सोसाइटी का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। सो इसका तीनों ऑप्शन होता है, इट मे बी प्रॉफिट, मे बी नॉन प्रॉफिट, एज वेल एज मे बी हाइब्रिड ऑल्सो। कभी कभी कोई कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाता है, जैसे नाम सुने होगा बहुत सारा ट्रस्ट चलता है, महावीर कैंसर संस्थान, या कोई भी आदमी ट्रस्ट के नाम से कोई चीज ओपन कर लेता है और जब उसमें उसका कस्टमर बेस बढ़ने लगता है तो नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। तो दिस ऑल आर अबाउट फोर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आगे चलते हैं, टैक्स मैकेनिज्म एंड एक्साइज ड्यूटी ऑफ इंडिया। टैक्स मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है और टैक्स मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है, व्हाट इज टैक्स। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसका रीजन नहीं जाने व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टैक्स, बड़ा थोड़ा सा उल्टा लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी में दो तीन साल तक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब पढ़े और लास्ट में आके टैक्स मैकेनिज्म क्या पढ़ा रहा है, क्या व्हाट इज द यूज, कौन पागल आदमी इस टैक्स मैकेनिज्म को या टैक्सेशन को डाल दिया माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में। एंटरप्रेन्योरशिप डाला चलो तो ठीक है कि हाँ, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे चल के हमको बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो उसका जरूरत है, लेकिन टैक्सेशन का क्या जरूरत होता है, इसका इंपॉर्टेंस यहां से पता चल जाएगा।
सबसे पहले देखते हैं टैक्स होता क्या है। इट इज द मेथड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू फुलफिल द गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सिटीजंस। हम जानते हैं कि इंडिया का जनसंख्या पॉपुलेशन 128 करोड़ क्रॉस हो चुका है। उस 128 करोड़ में कुछ लोग मोर लेस देन 2% ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा है। उनका सब मंथली इनकम किसी का 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ करोड़ में है। और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको सवेरे खाना खाते हैं तो शाम को खाने के लिए सोचना पड़ता है। तो जो पुअर फैमिली है, जो पुअर पॉपुलेशन है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है।